छत्तीसगढ़ के कवर्धा के लोहारेडी हिंसा पर साहू समाज ने तीनों परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने और एसपी रहे डॉक्टर अभिषेक पल्लव पर एफआईआर दर्ज कर बर्खास्त करने की मांग की है। इसके लिए सरकार को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम भी दिया गया है। कवर्धा जिले के लोहरेडी गांव में रहने वाले शिवप्रसाद साहू की लाश 15 सितंबर को एक पेड़ से टंगी हुई मिली थी। मृतक शिवप्रकाश और लोहारेडी के उपसरपंच रघुनाथ साहू के बीच पुरानी रंजिश थी। ऐसे में शिवप्रकाश की हत्या के शक में गांव के कई लोगों ने मिलकर रघुनाथ का घर जला दिया। बचने की कोशिश में रघुनाथ कच्चे मकान में जा छिपा और वहां भी लोगों ने आग लगा दी, जिससे रघुनाथ की जिंदा जलकर मौत हो गई। सरकार की ओर से इस मामले की जांच के लिए एडिशनल कलेक्टर निर्भय साहू को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। वहीं जिला साहू संघ ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में साहू समाज के लोगों पर पिछले करीब 9 महीने से सत्ता पक्ष और उनके पुलिस कर्मियों द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। समाज ने 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि अब समाज बहुत अत्याचार सह चुका है। अगर मृत लोगों के परिवारों को न्याय नहीं मिला तो समाज उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होगा। बैठक में मृतक को श्रद्धांजलि देने के बाद गृह मंत्री का पुतला भी दहन किया गया। पूरी छत्तीसगढ़ इतना कमजोर है कि उनका नजर के सामने वो घर जला देगा कि एक बावजूद भी साकेत होना चाहिए शासन प्रशासन ला। आज सिर्फ केवल लाठी और डंडा से मार करके छत्तीसगढ़ ला साफ नहीं कर जा सकते। आज देखो जगह जगह सुनेल मिलते, एक शिक्षा अधिकारी बालिका ला बोलते जेल चले जाते, कोई किसी ला बोलते ऐसे नहीं तो जमानत नहीं हो पाई। यहाँ पे जेलर के अंदर में पुलिस मन हा और थाना के अंदर पुलिस मन बेदर्दी से इतना मारना, ओकर बाद महिला मल्ला भी पुरुष पुलिस द्वारा मारना, छोटे छोटे पढ़ने वाला बच्ची मल्ला मारना, एकर अलावा देश में चाहे मर्डर के, हत्या के, लूटपाट के जिन भी देश में देखा है वो दयनीय स्थिति है। साहू समाज का निंदा करते है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।